ऑल राइट गाइस, फाइनली अपना गेमिंग रूम बिल्कुल रेडी हो चुका है। वाओ भाई, अंदर जाते ही मतलब कि बिल्कुल अलग सा एनवायरनमेंट मिल जाता है। व्हाट्स अप गैंग, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं मॉडल मैनेजर सिमुलेटर। तो लास्ट वीडियो में आप सभी लोग को याद होगा, हम आए थे इन बीच पहाड़ों में अपने दादाजी का मॉडल बिजनेस संभालने के लिए। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, इस बिजनेस की हालत बिल्कुल बेकार थी। मतलब यहाँ पे अपना ऑफिस एंड यहाँ की रूम्स भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदे हुए पड़े थे। तो हमने पहले तो यहाँ की सफाई करी, उसके बाद हमने अपने ये थोड़े बहुत रूम रेडी किए एंड यहाँ पे लोग को स्टे करने के लिए दिया। बट मेरा अभी एक लास्ट रूम रहता है एंड जिसको मैं सोच रहा हूँ आज इसको एक फुल गेमिंग रूम बनाते हैं। इसमें वो सारी चीजें होंगी जो एक गेमिंग रूम में होती हैं, यानी कि गेमिंग चेयर, एसी, टीवी एंड लिटरली भाई गेमिंग रिकॉर्ड करने के लिए पीछे ग्रीन वॉल भी दूंगा मैं। तो लिटरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फुल इसको एक गेमिंग रूम बनाएंगे। तो ऑल राइट, पहले तो दो अपने कस्टमर चेकआउट के लिए आए हैं, तो पहले इनको चेकआउट कर देते हैं। हेलो सर, हैव अ नाइस डे, कैसे लगा आपका रूम हमारा? अभी कुछ बोल के भी नहीं गया। हेलो सर, आई वाज इन अ रूम। हाँ हाँ, मुझे पता है आप वहीं पे रह रहे थे। हैव अ नाइस डे। आपको भी सर। ओके गाइस, अपने दोनों रूम खाली हो चुके हैं, तो फटाफट से ना इनकी एक बार सफाई कर देते हैं। लिटरली बहुत ज्यादा गंद मचा के गए ये। ओ भाई, एक ट्रैश कैन ही भर गया मेरा। तो ये टॉवल आ जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाएगी ये वाली बेडशीट ऐसे करके, और इसके ऊपर आ जाएगा ये वाला ब्लैंकेट। तो लेट्स गो, ये वाला रूम भी रेडी हो चुका है। और गाइज, जो अपना मोटल है वो अब 2 स्टार का हो चुका है। लिटरली भाई काफी ज्यादा बढ़िया सर्विस है ना, इसलिए दूसरे वाला स्टार अपने आप ही बढ़ गया इतनी जल्दी से। और हाँ, साथ ही में अपनी मैं शॉप को भी ओपन कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में ना मैंने अपनी शॉप के लिए काफी ज्यादा सामान मंगाया था, तो उसको फटाफट से ना फिल आउट कर देते हैं वहाँ पे। ओ वेट, क्या हो गया? अच्छा, मशीन चल रही है भाई, मैं ही डर गया। अभी रात के 11 बज रहे हैं शहर से, इसलिए कोई यहाँ पे कस्टमर आ नहीं रहा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुबह के टाइम पे यहाँ पे लोग आके ले जाएंगे सामान को। फटाफट से मैं यहाँ पे फिल आउट कर देता हूँ। एंड इसमें क्या है? चिप्स। तो चिप्स तो यहाँ पे आएंगे ना। वो कितने सारे चिप्स हैं इसमें, बिल्कुल यहाँ पे रख देते हैं। ऑल राइट, तो चलो गाइस यार, सबसे पहले तो काम है यहाँ पे मुझे अच्छे से सफाई करनी है। लिटरली भाई कितना सारा यहाँ पे ट्रैश है। भाई देखो, रूम काफी ज्यादा ना छोटा है, तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के यहाँ पे डेकोरेशन करनी होगी एंड सारी की सारी चीजें लगानी होंगी। एंड ये जाएगा अपना डस्टबिन है कोई आसपास? नहीं, आसपास नहीं है, वहीं पे है। वहां पे जाएगा, वहां पे जाएगा। एंड ओ भाई, निशाने देख रहे हो? ओ भाई, ये लेट्स गो भाई, सारी चीजें उसमें घुस के जाके भाई क्या निशाना लगाया मैंने। और यहाँ पे ये बॉक्स रखे हैं। ओ वेट भाई, मुझे बॉक्स से याद आया, आप सभी लोग मुझे कमेंट में बता रहे थे, मतलब जो अपने ये मॉडल है ना, इसके ऊपर $100 रखे हुए हैं। भाई मुझे $100 तो कैसे भी करके चाहिए हैं। लिटरली आज हम गेमिंग रूम बनाने वाले हैं, तो पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है। ओके, तो इसको ऐसे लगाता हूँ मैं, फिर मैं लगाता हूँ इसको ऐसे, फिर ऐसे। ओके, थोड़े से बॉक्स मुझे और चाहिए भाई, बॉक्स बहुत ज्यादा है अपने पास। ओके, यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, और लेट्स गो भाई, मैं ऊपर की साइड पे आ चुका हूँ। ओह गाइस भाई, मेरा पेंट का डब्बा भी मुझे मिल चुका है। लिटरली ये व्हाइट पेंट मैंने मंगाया था एंड ये ऊपर गिर गया था छत पे। एंड कहाँ पे? ओ भाई, यहाँ पे एक सूटकेस है। ओ भाई, पैसे हैं इसमें, ये देखो भाई। पहले मुझे लगा था ये जो घूम रहा है ना, मतलब कि ये सोलर पैनल है, बट लिटरली यहाँ पे एक सूटकेस रखा था। ओके, इसको पिकअप करते हैं। ओ भाई, ये $100 नहीं थे भाई, ये $1000 थे। लिटरली मुझे $1000 मिले हैं यहाँ से भाई साहब, ये $1000 थे भाई। ओके लेट्स गो भाई, आज मैं गेमिंग रूम बनाने वाला था एंड उसके लिए कितना ज्यादा बढ़िया पैसा मिला मुझे। तो चलो गाइस, सारी चीजें ऑर्डर करते हैं भाई अपने गेमिंग रूम के लिए। तो देखो यार, अभी अपना गेमिंग रूम बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी उसकी वॉल एंड सीलिंग एंड फ्लोर है ना भाई, वो चीजें मंगाते हैं। तो पहले चलते हैं फ्लोर पे। तो ओके, जो फ्लोर है ना भाई, ये वाला चूज करते हैं, 4 टाइल्स मंगा लेते हैं इसकी भाई, जो कि बिल्कुल भी ना कमी ना पड़े। ओके, तो गाइस बाथरूम के लिए ना ये वाली टाइल्स मंगाते हैं, ये थोड़ी मार्बल टाइप लग रही है। तो देखो, जो वॉल्स है ना वो मैं थोड़ी बहुत ही मिक्स करने वाला हूँ, बाकी ना कलर करेंगे। देखो बेड के ऊपर तो सिंपल सी बात है, मैं ये वाली वॉल्स लगाने वाला हूँ। एंड एक मैं ये वाली ऑर्डर कर देता हूँ, वो नहीं, ये वाली ऑर्डर कर देते हैं भाई, एक पेंटिंग के जैसे इसको लगा देंगे, बढ़िया। एंड अब है सीलिंग की बारी भाई, सीलिंग भी मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो एक तो मैं ये मंगाने वाला हूँ, ये वाली टाइल, उसके बाद मुझे थोड़ी सी ना हल्की टाइल चाहिए है। ओके, ये मंगा लेते हैं, 1 2 3। ओके, तो अब आती है पेंट की बारी। तो पेंट मैं सोच रहा हूँ, पहले तो देखो व्हाइट बॉक्स अपने पास काफी सारे हैं, फिर भी मैं एक ऑर्डर कर देता हूँ। 3 डब्बे मुझे इस पेंट के ऑर्डर करने हैं एंड एक ये ग्रे। तो ऑल राइट गाइस, खाली भाई सीलिंग, फ्लोर, वॉल्स एंड पेंट, इन्हीं पे भाई मेरा $440 खर्च हो चुके हैं। एंड लिटरली अभी तो भाई इक्विपमेंट्स भी मंगाने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे होने वाले हैं। ऑल राइट, अब चलते हैं इक्विपमेंट्स में। तो पहले तो भाई बेड, तो देखो गेमिंग रूम है बट फिर भी मैं वो वाला बेड लूंगा
करूंगा जिससे मुझे बोनस अच्छा खासा मिलेगा। ये वाला बेड मंगाते हैं, केला बेड $99 का है लिटरली। भाई जो बेडशीट है ना वो व्हाइट वाले मैं मंगाने वाला हूँ, लेट्स गो। ओके तो देखो कमरे के लिए ये वाला ऑर्डर करते हैं एंड जो बाथरूम के लिए है उसके लिए ये वाला ऑर्डर करते हैं, लेट्स गो। भाई अभी तो मैंने अंदर के इक्विपमेंट्स भी नहीं मंगाए हैं, उससे पहले भाई इतना सारा खर्चा हो चुका है मेरा। ओके तो सर चेकआउट के लिए आए हैं। हेलो सर, ग्रेट, हैव अ नाइस डे। इसको रखते हैं यहाँ पे एंड मैं अपने मॉडल को ओपन कर देता हूँ एंड फटाफट से ना ये वाला रूम मुझे रेडी करना होगा क्योंकि भाई जिस तरीके से मेरे पानी जैसे पैसे लग रहे हैं ना भाई, जल्दी मैं कंगाल होने वाला हूँ। लेट्स गो भाई, ये रूम मैंने फिर से रेडी कर दिया है और यहाँ पे अपने कस्टमर भी आ चुका है। हेलो सर, इधर सर इधर। ओके भाई ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वैसे देखते हैं। हेलो सर, ओ भाई 96 आवर्स के लिए यहाँ पे ये रहने के लिए आया है, लेट्स गो। गुड जॉब। ओके अब बारी है सीलिंग लैंप की। बाथरूम के लिए ये वाला ऑर्डर करते हैं एंड ये लगेगा गेमिंग सेटअप के ऊपर, लेट्स गो। भाई मैं बहुत ज्यादा महंगा रूम बनाने वाला हूँ, बस तुम देखते जाओ लिटरली। मतलब अभी से अपना 1000 यहाँ पे खर्च हो चुका है। अभी तो भाई मैंने कंप्यूटर टेबल और बहुत सारी चीजें तो ऑर्डर भी नहीं करी हैं। अबे यार 2-3 कस्टमर और आ गए, वही थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, ये सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को भी हायर करता ना तो उनके लिए मुझे पहले एक स्टाफ रूम बाय करना होगा एंड वो लिटरली भाई $500 का आएगा एंड मैं नहीं चाहता, मतलब कि आज मैं थोड़ा बहुत अभी पैसा खर्च करूं क्योंकि मुझे अपना गेमिंग रूम बनाना है। ओके तो इनको अभी टाइम लगेगा, देखते हैं भाई ये क्या चीजें खरीदते हैं, बाद में इनकी पेमेंट वगैरह करेंगे। एंड अब चलते हैं बाथ टब पे। भाई बाथ टब देखो लिटरली कितने ज्यादा महंगे हैं यार, लिटरली $100 का तो एक बाथ टब है यहाँ पे। तो इसको लगाते हैं भाई अपने गेमिंग सेटअप में, मतलब गेमिंग सेटअप में नहीं अपने गेमिंग रूम के बाथरूम में। ओ भाई सिंक देखो लिटरली कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया है यहाँ पे, वो यहाँ पे डबल सिंक भी है। ओ नहीं डबल वाले का प्राइस देखो लिटरली, बट यार उससे हमें बोनस काफी ज्यादा मिलेगा तो इसको ही लेते हैं। ऑलराइट गाइस टॉवल क्या करते हैं ना भाई, ये वाला काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, मतलब व्हाइट के ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप, भाई एडिडास का टॉवल लग रहा है मुझे तो इसको ऑर्डर करते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे 2 टॉयलेट हैं $80 के, तो मैं कौन सा लगाऊं, स्क्रीन टच वाला फ्लैश होता है वो वाला या फिर जो ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है। वैसे यार मैंने बाथटब एंड सिंक है जो वो व्हाइट में ऑर्डर किए हैं तो व्हाइट वाला ठीक है, टॉयलेट पेपर येलो वाला बढ़िया रहेगा। गाइस यार मैं ये गोल्ड वाला हीटर लगाना चाहता था बट जो इसका बोनस है ना भाई वो $3 है एंड जो बढ़िया वाले है ना यहाँ पे हैं। लेट्स गो हीटर ये वाला ऑर्डर करते हैं। ओके तो अब हमें कर्टन्स बाय करने हैं। ओके 2 रेड वाले एंड जो शॉवर है ना वहाँ पे भी मुझे लगाना होगा, उसके लिए एक ही ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ओके अब बारी है सीट की। ऑलराइट गाइस ये मेन चीज है क्योंकि भाई यहीं से अपनी गेमिंग चेयर भी डिसाइड होने वाली है कि ओ वेट यहाँ पे कुछ चेयर है भाई जो कि गेमिंग चेयर जैसी दिखती है। ओके तो गाइस जो अपनी गेमिंग चेयर है उसके लिए मैं ये वाली चेयर मंगाता हूँ एंड जो अपने बाकी के सोफे होंगे ना भाई मुझे ये वाले सोफे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ओके तो एक ये वाला ऑर्डर करते हैं भाई, एक मुझे ये वाला ऑर्डर करना है। ओके अब बारी है रूम लैंप की, तो एक तो ये ऑर्डर करते हैं, एक मुझे ये लगाना होगा अपने बेड के साइड पे। ऑलराइट गाइस जिस पे अपना पीसी रखा जाना है ना तो मुझे वो वाला डेस्क यहाँ पे चूज करना है तो इसको ऑर्डर करते हैं। एंड अब बारी है क्लोजेट की जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखेंगे। तो क्लोजेट ना मुझे ये वाला काफी ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि ये ना कोने में रखा जाएगा एंड काफी ज्यादा बढ़िया भी लगेगा। ओके गाइस असली पैसे यहाँ पे लगने वाले हैं। ओके एसी मैं सोच रहा हूँ फिर ये वाला ले लेते हैं। ओ भाई फैन तो ना मुझे ये वाला काफी ज्यादा सही लग रहा है, ये तो हैवल्स का डिजाइन है भाई लेट्स गो ये वाला मंगाते हैं। ओके तो एक खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ले देते हैं एंड एक मुझे फ्रिज भी लेना होगा तो फ्रिज मैं सोच रहा हूँ छोटे वाला लेना चाहिए, ये वाला ठीक है। तो टोस्टर ये वाला ठीक है और यहाँ पे टीवी, ओ भाई टीवी देखो यहाँ पे लिटरली कर्व वाला भी टीवी है तो मैं ये कर्व टीवी लेने वाला हूँ। ओके अब बारी है होल्डर की, टॉवल टांगने के लिए है, ओ बुक शेल्फ भी है यहाँ पे, ये वाली ऑर्डर करते हैं इससे अपनी स्पेस भी कम यूज होगी। ओके तो अब है टॉयलेटरी की बारी, ओ इसमें अपने शैम्पू वगैरह आते हैं एंड यहाँ पे टूथपेस्ट भी है भाई ये तो वो लग रहा है कोलगेट। ओ भाई ये देखो ये तो क्लिनिक प्लस की बोतल नहीं है शैम्पू वाली, एंड एक यहाँ पे हैंड सोप भी ले लेते हैं। ओके तो एक बार मैं यहाँ पे बिल बना के आता हूँ, वेट जल्दी 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 लेट्स गो। भाई बस 2 सेकंड रह गए थे, नहीं तो जितना भी सामान है ना ये ऐसे फ्री में लेके जाती यहाँ से। तो एक्सेसरी में अपने पास है काफी सारी क्लोक्स। ओके तो एक मुझे ये बाय करनी है, वॉल पे लगाने के लिए मुझे एक ये बाय करनी है एंड एक अलार्म क्लोक तो रखनी होगी बेडरूम के पास में। वो ये क्या है, हैंड ड्रायर, मे बी ये बाथरूम में लगेगा तो ये वाला बाय कर लेते हैं। मिरर भी है यहाँ पे तो बाथरूम में लगाएंगे राउंड वाला मिरर और कमरे में लगाएंगे ये वाला। ओके तो इक्विपमेंट्स एंड बिल्ड की तो अपनी सारी चीजें हो चुकी हैं। ओके अब चलते हैं डेकोरेशन में।
तो डेकोरेशन के लिए पहले तो मुझे ये वाला काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड फाउंटेन भाई ये मंगा लेते हैं, ये ना मतलब कि मैं अगर बाहर लगा पाऊंगा तो काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। म्यूजिक में चेकआउट करते हैं। ओके तो भाई सबसे मेन चीज तो अब आई है अपना पोटैटो कंप्यूटर, लेट्स गो। पहले तो इसको बाय करते हैं, $100 का है ये। एंड लिटरली भाई अपना अभी तक बिल ना $4,000 तक पहुंच चुका है। एंड मेरे अकाउंट में इस टाइम है $6,000। एंड वेट यार, मुझे फ्यूल भी ऑर्डर करना था, वो मैं भूल चुका हूँ भाई। अब तो ना मैं सीधा 200 लीटर ऑर्डर कर देता हूँ। बढ़िया। ओके तो अपनी बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। मैंने अपना पोटैटो कंप्यूटर तो बाय कर लिया है, एक आउटलेट बाय कर लेते हैं उसको स्विच अप करने के लिए। एंड मेन चीज है ये, मतलब पीछे की साइड पे ना ग्रीन स्क्रीन भी लगानी होगी जो कि थोड़ा बहुत हम रिकॉर्ड वगैरह कर पाए। तो मैं दो मंगा लेता हूँ अभी के लिए। तो वॉशिंग मशीन पे कोई बोनस नहीं है तो वो मैं सस्ती वाली मंगा लेता हूँ। ओ ये क्या एसिड, ये एसिड किस लिए है? तो ऑलराइट गाइस, अपनी सारी की सारी शॉपिंग यहाँ पे हो चुकी है एंड अपना कुल टोटल बना है $4,300। एंड यहाँ पे बड़े वाला ट्रक मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड अपना यहाँ पे सारा सामान भाई बड़े वाला ट्रक भी बिल्कुल रेड हो चुका है। लिटरली कितनी सारी चीजें हैं ये देखो। ओ भाई। एंड ये मुझे ना बिल्कुल फास्ट चाहिए तो फास्ट डिलीवरी मंगवाते हैं। रिड्यूसिंग ऑर्डर, अबे यार गाइस थोड़ा सा ऑर्डर मुझे कम करना पड़ेगा। ओके शिंक भी मुझे हटानी पड़ेगी, ये भी हटाना पड़ेगा, तो बेड भी हटाते हैं। ऑल राइट तो अब मैं कुछ चीजें मंगा सकता हूँ, तो फटाफट से इन चीजों को ऑर्डर करती है, बाकी की चीजें ना बाद में ऑर्डर करेंगे। ऑल राइट गाइस, सामान अपना यहाँ पे आ चुका है। ओ भाई साहब सामान देखो कैसे बिल्कुल भरा पड़ा है ट्रक में। ओके बट अब इसको मुझे अनलोड भी करना होगा, लेट्स गो फटाफट से अनलोड करते हैं। तो टैल वगैरह पहले यहाँ पे मैं कार्ट पे रख देता हूँ क्योंकि यही लगने वाली हैं। ओके ये क्या चीज है? ओ भाई ये तो वो है जो मैंने ग्रीन स्क्रीन मंगाई थी, ये देखो। ओ गाइस अपनी गेमिंग चेयर देखो भाई। एंड यार और सामान मुझे पहले ना ऐसे करके लेना होगा, लेट्स गो भाई काफी सारा सामान है, अनलोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ओके तो गाइस सारा सामान मैंने अनलोड कर लिया है, फटाफट से भाई इसको भेज देते हैं। एंड मैंने शॉप एंड गैस स्टेशन वहाँ पे बंद कर दिए हैं क्योंकि जितना भी सामान था वो मैंने अनलोड करके साइड में रख दिया जो कि हम नेक्स्ट शिपमेंट भी अपनी मंगा पाए। एंड साथ में मैंने ये कार्ट में सारा का सारा सामान भी रख दिया है। तो लेट्स गो भाई, अपना ये सारा गेमिंग रूम का सामान है तो इसको फटाफट से लेके चलते हैं एंड भाई बनाते हैं अपना एक गेमिंग रूम। ओके तो पहले तो ये सारी चीजें मैं नीचे की साइड पे उतार लेता हूँ। तो मैंने फ्लोर के लिए ये वाली टाइल मंगाई थी, तो फटाफट से इसको यहाँ से लेके यहाँ पे लगाते हैं। बढ़िया। ओ भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये, लेट्स गो इसको यहाँ पे। ओ काफी ज्यादा आई है, ओ एक ही रह गई थी। लेट्स गो एंड ये आ जाएगी यहाँ पे। ओके अब बारी है बाथरूम के फ्लोर की, तो बाथरूम के लिए मैंने ये वाली टाइल मंगाई थी भाई, ये देखो मैंने बोला था ना ये मार्बल टाइल्स हैं भाई, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये, लेट्स गो। ओ भाई कितना ज्यादा बढ़िया बाथरूम लग रहा है भाई, अब आएगी लग्जरी वाली फीलिंग। ओके तो फटाफट से ना पहले सीलिंग भी लगा देते हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा अच्छा पेंट रहेगा। तो सीलिंग के लिए यहाँ पे हैं टाइल्स, तो लेट्स गो यहाँ से लेके यहाँ तक। वेट 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 वेट, देखो मैंने दो टाइल्स मंगाई है जो मैं सीलिंग के ऊपर लगाऊंगा। एंड अब लगानी है मुझे ये वाली सीलिंग। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ पे। तो ऑल राइट गाइज, ये है भाई अपनी सीलिंग जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। एंड ये है भाई जो मैं अपने रूम में लगाने वाला था। बढ़िया, बटन को करते हैं ऑन। ओ भाई ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। सीलिंग का काम भी हो चुका है, तो वॉल के लिए मैंने यहाँ पे पेंट ले लिया है। फटाफट से अपना पेंटिंग रोलर निकालते हैं एंड फटाफट से भाई पेंटिंग करते हैं। यहाँ पे आएगा ये ग्रे कलर और इस साइड पे भी ऐसे करके। ऑल राइट भाई देखो कितना ज्यादा अभी से बढ़िया लगने लगा है ये भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया अपना गेमिंग रूम बनेगा। ये वाली वॉल रहती है, इसके लिए एक और डब्बा मैंने मंगा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सेल कर देते हैं भाई, खाली डब्बे सेल नहीं होते हैं ये वाले पेंट के, ये कार्डबोर्ड वाले डब्बे होते हैं ना ये तो सेल हो जाते हैं, बट ये पेंटिंग वाले डब्बे सेल नहीं होते भाई। वो तो सही है, मैंने दो दो डब्बे मंगा लिए थे हर एक चीज के। ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ पे, लेट्स गो भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है अभी से ये। एंड अभी तो इसमें वो सारी महंगी चीजें आएंगी जो मैंने मंगाई थी, बट पहले तो एक बार ना ये वाले डब्बे लेके चलते हैं। एंड अपना जो बाथरूम है ना उसको मुझे व्हाइट कलर से पेंट करना है। ओके तो पेंट तो मैंने कर दिया है, अब फटाफट से रूफ भी लगा देते हैं। एंड बाथरूम में अभी के लिए ये वाली लाइट लगा देते हैं। ओ गाइस बाथरूम देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ बट जो ये वाली टाइल है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये बढ़िया लगेंगी भाई यहाँ पे ऐसे करके। लेट्स गो भाई अब लग रहा है बढ़िया बाथरूम तो ये। ओके तो गाइस जितना भी हम बाकी का सामान नहीं मंगा पाए थे वो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। एंड देखो भाई लिटरली अपने वेयर हाउस की क्या हालत हो चुकी है, बट ये सारी चीजें अब अपने गेमिंग रूम में जाने वाली है। और साथ ही में मैंने अपना लग्जरी बेड और यहाँ पे बाथ टब भी मंगा लिया है,
तो फटाफट से भाई इनको लेके चलते हैं, सबसे पहले इनको ही लगाते हैं वहाँ पे। भाई बहुत ज्यादा लग्जरी बाथ टब है ये, इसको लगाते हैं यहाँ पे। ओ भाई ये देखो लिटरली कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मुझे एक बारी वॉल टाइल चाहिए, वेट ये तो दूसरी टाइल है, वॉल टाइल यहाँ पे है। ओके तो यहाँ पे ये बाथ टब है ना, तो इतने एरिया में मुझे लगानी है। ओ भाई कितना ज्यादा बढ़िया कलर है ये, ओ भाई बाथरूम में इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। तो टाइल एंड अपना बाथ टब तो लग चुका है, एंड अब बारी है सिंक की। भाई डबल सिंक मंगाई है तुम्हारे भाई ने, इसको लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लगाते हैं ये डिजिटल टॉयलेट, भाई टच स्क्रीन वाला टॉयलेट है ये देखो कितना ज्यादा बढ़िया है। तो ये रहा भाई अपना टॉयलेट पेपर होल्डर जो कि गोल्डन कलर का है, लेट्स गो। एंड इसके ऊपर टॉयलेट पेपर भी लगा देते हैं अपना येलो वाला टॉयलेट पेपर, लेट्स गो। ओ भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। ऑल राइट तो ये चीजें तो आ गया है, एंड अब बारी है वॉशिंग मशीन की। तो इसको लगाते हैं यहाँ पे, एंड इसका स्विच लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक बोर्ड लगाना है, एंड इसको लगाते हैं इसमें। भाई अब अपनी ये वर्किंग करने लग जाएगी ये देखो भाई बट इसमें अभी कपड़े नहीं है, इसको बंद करते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक वॉल माउंट शेल्फ लगानी है, वेट ये ऐसे नहीं आएगी, ये आएगी ऐसे। तो एक लगानी है मुझे यहाँ पे, एंड एक लगानी है मुझे इस साइड पे। हैंड सोप को हमें यहाँ पे रखना है क्योंकि यहाँ पे है शैंक, एंड टूथपेस्ट आएगा यहाँ पे, एंड शैम्पू आएगा यहाँ पे बाथ टब के पास, एंड ये टॉवल आएगा यहाँ पे, एंड मेरे पास एक टॉवल हो रहा है, इसको रखते हैं यहाँ पे। ऑल राइट तो अब मुझे लास्ट में यहाँ पे एक बाथरूम हीटर लगाना है, हीटर यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, लेट्स गो। ओके तो लास्ट में यहाँ पे ये कर्टन। ऑल राइट गाइज अपना यहाँ पे गेमिंग बाथरूम तैयार हो चुका है, लिटरली भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। ओके अब एक लास्ट चीज है यहाँ पे मुझे लगाना है ये डोर। गाइज ये ट्रांसपेरेंट डोर है भाई, ये अपने बाथरूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑल राइट गाइज अपना यहाँ पे बाथरूम तो रेडी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, एंड भाई एक्सपेंसिव भी है। एंड अब है अपनी गेमिंग रूम की बारी, तो सबसे पहले अपने गेमिंग रूम में आएगा ये अपना बेड, एंड इसको लगाना है मुझे यहाँ पे, एंड यहाँ पे फटाफट से हीटर भी लगा देते हैं। ओके तो फटाफट से भाई यहाँ पे बेडशीट भी लगा देते हैं, लेट्स गो। एंड अब आएंगे यहाँ पे बेड वाले ब्लैंकेट, ऑल राइट भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो ये आएगा यहाँ पे और ये वाला पिलो आएगा यहाँ पे। ओके तो ये तो रेडी हो चुका है, एंड जो अपना गेमिंग पीसी है ना वो मैं रखने वाला हूँ इधर की साइड पे। तो लेट्स गो, पहले तो लेते हैं यहाँ पे टेबल। भाई कुछ चीजें जो मैंने मंगाई है ना वो चीजें वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही हैं, क्योंकि लिटरली जो अपना वेयर हाउस है उसकी हालत देखो क्या हुई पड़ी है। तो मुझे चाहिए ये वाला टेबल, साथ में मुझे चाहिए अपना ये कंप्यूटर। ओके तो यहाँ पे आएगा ये टेबल, एंड इसके ऊपर आएगा अपना ये पोटैटो कंप्यूटर, और फिर यहाँ पे आएगी अपनी गेमिंग चेयर, लेट्स गो। भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। एंड उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन, अभी तो ये व्हाइट है बट रिकॉर्डिंग के टाइम ये ग्रीन स्क्रीन हो जाएगी, तो फटाफट से इसको यहाँ पे लगा देते हैं, बढ़िया। ऑल राइट भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। एंड वेट अभी यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ रूम लैम्प, इसको लगाना है मुझे यहाँ पे, लेट्स गो। भाई ये देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ड्रॉर मुझे प्लेस करना है बिल्कुल यहाँ पे, एंड इसके ऊपर आएगी ये अलार्म क्लॉक। ओ भाई मैंने इसी के लिए मंगाई थी ये। ओके एंड वो चल भी रही है, देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है भाई उसमें, अभी 10 बजने वाले हैं, एंड वहां पे भी 10 बज रहे हैं, बज गए ओके मैंने एक वॉल के लिए भी मंगाई थी ये री, इसको बिल्कुल सामने लगाएंगे। ओके अब है क्लोजेट की बारी, तो लेट्स गो ये लेते हैं क्लोजेट, इसको लगाना है मुझे जस्ट यहाँ पे ऐसे करके, वेट यहाँ पे आ जाना चाहिए कि, लेट्स गो। गाइस ये जगह देखो भाई कैसे यूज हुई है लिटरली, एंड जहाँ पे मेरा बेड है ना उसके ऊपर मुझे ऐसे करके फैन लगाना है, फैन लग गया है। एंड अब है एसी की बारी। ओके ओ एसी के लिए भी स्विच चाहिएगा मुझे, वेट इतना ऊपर नहीं लगाना है, इसको लगाना है यहाँ पे। तो एसी के स्विच के लिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं, एंड एसी का प्लग लगाते हैं इसमें, एंड जो मेरा कंप्यूटर का प्लग है उसको मुझे ना इसके नीचे लगाना होगा डेस्क के, बढ़िया। एंड प्लग आएगा यहाँ पे। ओ भाई कंप्यूटर चल रहा है इसमें, ओ भाई मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ अपने इस पूरे मोटेल को, भाई ये नहीं मुझे पता था ये वर्क भी करेगा, ये तो बहुत ज्यादा सही है। ओके कस्टमर आए हैं चेकआउट के लिए, हेलो मैम Have a nice day. Okay, तो सर को देखते हैं क्या चाहिए। 24 आवर्स के लिए वन बेडरूम चाहिए, होल्ड ऑन सर। ओके चलो कोई और आ नहीं रहा तो इनको ही दे देते हैं। हाँ तो रूम 2 रेडी है, आप ले सकते हैं। गुड जॉब। इधर की साइड पे आने वाला है भाई एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज, तो फटाफट से निकालते हैं इस टेबल को। तो इसको लगाना है मुझे यहाँ पे,
एंड इसके ऊपर आएगा, इसको लगाते हैं इसको यहाँ पे, बढ़िया भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा ये, लेट्स गो। एंड इसके लिए ना मुझे एक स्विच चाहिए, तो स्विच ना यहाँ से लेके आना पड़ेगा मुझे। भाई उधर की साइड पे मैंने एक स्विच का बॉक्स रखा था, बट लास्ट टाइम वहां से सारे के सारे स्विच गायब हो गए। ओके तो इसका ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बढ़िया। एंड इसके प्लग को यहाँ पे लगाते हैं, ये चल जाएगा। ओके ये नहीं चलेगा, बट भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। एंड यहाँ से मैं लेटे लेटे भी आराम से टीवी देख सकता हूँ, तो काफी ज्यादा सही है। ओके तो एक रेफ्रिजरेटर है, एक कॉफी मशीन है एंड एक टोस्टर है। तो टोस्टर एंड कॉफी मशीन के लिए तो मैंने टेबल मंगाया था, तो फटाफट से टेबल पे चलते हैं। एंड ये वाला टेबल तो इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आएगी यहाँ पे ये ऐसे करके कॉफी मशीन। एंड यहाँ पे आएगा ऐसे टोस्टर, लेट्स गो। एंड यहाँ पे मुझे एक लैंप लगाना है ये वाला। एंड अपने बेडरूम के लिए मैंने एक अलग से लैंप मंगाया था ये वाला, इसको लगाना है मुझे यहाँ पे ऐसे करके। एंड एक मैंने वॉल माउंट लैंप मंगाया था, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। एंड जो थोड़ी सी एंड जो ये वॉच है इसको ऐसे नीचे करके यहाँ पे लगाते हैं। एंड अब मुझे चाहिए एक रेफ्रिजरेटर, तो इसको लगाना है मुझे ऐसे रोटेट करके यहाँ पे, लेट्स गो। ये क्या चीज है, ओ यहाँ से हम आइस क्यूब ले सकते हैं, ये देखो भाई ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये मुझे इसका स्विच लगाना है यहाँ पे एंड इसका प्लग लगाना है इसमें। ओके अब है होल्डर की बारी, तो मैंने ना एक क्लोथ होल्डर भी मंगाया था, तो क्लोथ होल्डर ना मे भी यहाँ पे सही रहेगा, मतलब बाहर अंदर से आएंगे तो यहाँ पे कपड़े वगैरह टांग सकते हैं। एंड एक मैंने बुक शेल्फ के लिए मंगाया था, ओके तो ये वाली बुक शेल्फ आएगी यहाँ पे। एंड जो ये वाली बुक शेल्फ है इसको लगाना है मुझे इस साइड पे, लेट्स गो। एंड इनमें रखने के लिए मैंने बुक्स भी मंगाई थी, तो फटाफट से बुक भी प्लेस कर देते हैं, इनको ऐसे रैंडम प्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये लास्ट वाली, तो ऑल राइट गाइस यहाँ पे अपनी बुक शेल्फ एंड अपना ये क्लोथ रैक भी लग चुका है, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो अब है कारपेट की बारी, तो ये वाला कारपेट मंगाया था मैंने अपने बेड के लिए, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। एंड ये कारपेट मंगाया, ओ भाई ये तो काफी ज्यादा बड़ा कारपेट है, मुझे तो लगा ये छोटा सा कारपेट होगा, तो ये तो अपने बेड के इस साइड पे सही लगेगा फिर, लेट्स गो। एंड बस है भाई एक कारपेट बचा है, एंड ये वाला है, ओ भाई साहब सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट आई हैं, तो ये आएगा यहाँ पे, लेट्स गो। बाथरूम के लिए ये वाला कारपेट, बेड के लिए अपना ये वाला कारपेट, अगर थोड़े बहुत पैर गंदे हैं तो फिर इस पे साफ करके ये वाला कारपेट, लेट्स गो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। ऑलराइट तो अब है मिरर की बारी, एंड ये हैंड ड्रायर तो रही गया जो हमने उसमें लगाना था, क्या कहते हैं अपने बाथरूम में, तो फटाफट से इसको खोलते हैं। तो ये वाला ना यहाँ पे सही रहेगा, मतलब यहाँ पे अपना हाथ धो के यहाँ पे हैंड ड्राई कर सकते हैं। ऑलराइट मैंने एक ये वाली भी क्लोक मंगाई थी, ओ ये तो बहुत ज्यादा बड़ी क्लोक है भाई, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था लिटरली, इसको तो लगाने के लिए जगह ही नहीं बची है। ओके एक ये मैंने छोटी सी क्लोक मंगाई थी, इसको भी ना अपने यहाँ पे रखते हैं पीसी के आगे, बढ़िया। एंड अब है मिरर की बारी, तो ये वाला मिरर आएगा बाथरूम में, तो फटाफट से चलते हैं। तो देखो यार मिरर लगाना है मुझे यहाँ पे, लेट्स गो। हाय कितना सबसे प्यारा ना मुझे ये वाला बाथरूम लग रहा है, लिटरली कितना ज्यादा बढ़िया है ये। एंड मैंने दो तीन मिरर और लगाए, ये मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाया है, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। एंड जो ये वाला मिरर है इसमें हम फेस देख सकते हैं, तो इस मिरर को लगाते हैं यहाँ पे, मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले यहाँ पे अपना बाल बाल सेट करके फिर इस पे बैठेंगे। ओके अब बारी है चेयर की, तो देखो एक चेयर तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, अगर मतलब कोई फ्रेंड वगैरह मेरा आ जाता है तो यहाँ पे वो बैठ सकता है, साथ में हम गेम खेल सकते हैं। एंड जो ये वाला सोफा है भाई, ये मैंने मंगाया है अपने लिए, तो इसको मैं कहाँ पे लगाऊं, लिटरली सारी जगह भर चुकी है, तो इसको ना यहाँ पे लगा देते हैं। ऑल राइट लेट्स गो, ये सोफा देखो लिटरली कितना ज्यादा बढ़िया है, एंड यहाँ से भी बैठ के मैं आराम से टीवी देख सकता हूँ। ओके लास्ट रह गए हैं कर्टन्स, तो ये वाले कर्टन्स आएंगे यहाँ पे, एंड ये वाला कर्टन आएगा यहाँ पे। एंड जो ये वाले रिंग लाइट है ना, ये मुझे अपने सेटअप के ऊपर लगानी है। लेट्स गो गाइस, फाइनली अपना गेमिंग रूम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस एक चीज की कमी है, एक डोर की। लेट्स गो ये वाला डोर लगाते हैं यहाँ पे, तो भाई बाहर से देखो, हाँ बाहर से वेट भाई, बाहर से तो इसका कलर करना ही रह गया है, तो ये वाला कलर मैंने मंगाया था, फटाफट से ऐसे करते हैं। वैसे देखो यार ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट मेरे पास ना ये वाली टाइल्स हैं, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ पे लगाते हैं। भाई अब लग रहा है ना ये कुछ अलग सा रूम है, लिटरली इससे तो पक्का ही पता लग जाएगा भाई ये गेमिंग रूम है। ऑलराइट गाइस गेमिंग रूम फाइनली बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे ये चीजें रहती हैं। सबसे पहले तो ये डस्टबिन, क्योंकि ज्यादा टाइम तो अपना कंप्यूटर पे रहेगा ना, तो डस्टबिन को रखते हैं यहाँ पे। एंड ये मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए आइटम मंगाई थी, तो ये वाला लगाते हैं इस साइड पे, और एक लगाना है मुझे यहाँ पे। एंड एक मैंने ये वाला मंगाया था जिसमें मतलब कि हम फोटो लगा सकते हैं, एंड ये आएगा अपना यहाँ पे। ऑल राइट भाई अब देखो लिटरली कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। ओके ओके
एक बारी सुबह करते हैं एंड भाई फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। ऑल राइट गाइज, प्यार से गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड लिटरली भाई बहुत ज्यादा मजा आया भाई अपने गेमिंग रूम को बिल्ड करने में। भाई ये देखो, जितने भी टाइल्स थे एंड जितने भी पेंट के डब्बे थे वो मैंने एक जगह पे लगा दिए हैं। भाई जब कोई न्यू रूम आएगा ना उसको डेकोरेशन करने में ये सारी चीजें भाई उस टाइम काम आएंगी। एंड साथ में यहाँ पे जैसे देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है अपना गेमिंग रूम। और राइट चलते अंदर की साइड पे। वाओ भाई, अंदर जाते ही मतलब कि बिल्कुल अलग सा एनवायरनमेंट मिल जाता है। ये अपना बड़ा सा बेड एंड यहाँ पे अपना बड़ा सा सोफा एंड भाई सबसे प्यारी चीज यहाँ पे अपना ये पोटैटो पीसी एंड साथ में ये गेमिंग चेयर, ये लग्जरी वाली गेमिंग चेयर है ना। एंड साथ में यहाँ पे लैंप भी है, डस्टबिन भी है, यहाँ पे काउच भी है जो कि भाई काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। एंड यहाँ पे मिरर भी है, लाइट्स भी है, एसी भी है, फैन भी है एंड साथ में यहाँ पे कर्व टीवी भी है। एंड भाई बाथरूम तो लिटरली बहुत ज्यादा इनसेन है। ये देखो भाई यहाँ पे सबसे महंगा वाला बाथ टब लगाया है। अपना जितना भी ये सारा का सारा गेमिंग रूम है ना भाई, इसमें सारी चीजें टॉप नोच लगी हुई है। तो ऑल राइट, फटाफट से अपने मॉडल को ओपन करते हैं एंड देखते हैं भाई अगर इसके लिए कोई कस्टमर आता है तो वो मतलब कितने पैसे हमें देगा। ओके, तो फटाफट से यहाँ से ओपन करते हैं इसे। तो लेट्स गो, कस्टमर आने की थोड़ी सी वेट करते हैं। एंड इतना मैं क्या करता हूँ ना, ये दोनों चीज भी ओपन कर देता हूँ, अपनी शॉप एंड गैस स्टेशन। ओके, तो पूछते हैं सर से, आई नीड ए रूम विद वन बेड 96 आवर्स के लिए। भाई काफी ज्यादा सही है, बट मेरे पास ना वो डबल बेड वाला रूम है तो इसका तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। तो होल्ड ऑन सर। ओके ओके, ये दो लोग आए ना भाई, इनको ही देंगे हम ये वाला रूम। ओके, तो गाइज देखते हैं भाई अपना जो गेमिंग रूम है उसके हमें कितने पैसे मिलते हैं। हेलो सर, आई नीड ए रूम विथ 2 बेड 72 आवर्स के लिए। ओके होल्ड ऑन सर, ये वाली की इधर की साइड पे रखते हैं एंड रूम नंबर 3 की है वो अपने गेमिंग रूम की, इसको रखते हैं यहाँ पे। लेट्स गो टेक दिस रूम। ओ भाई, एक ही बारी में हमें $600 मिल रहे हैं। वैसे देखो ये $400 का रूम है बट जितने भी मैंने आइटम लगाई है ना उन सभी का बोनस मिला के भाई मुझे 241 बोनस मिल रहे हैं। तो ये फायदा होता है भाई ज्यादा महंगी चीजें लगाने का। लिटरली भाई कितनी ज्यादा बढ़िया पेमेंट है। टेक ए पेमेंट, लेट्स गो भाई, एक ही बारी में सीधा $600 की कमाई होगी तुम्हारे भाई की। ओके okay, वैसे इनके लिए भी रूम है ना, एक बारी चेक करते हैं ये वाला रूम में भी। हाँ हाँ हाँ, ये वाला रूम रेडी है। बताइए आपको क्या चाहिए। 1 बेडरूम 48 आवर्स के लिए ना। होल्ड ऑन, ये वाले की रखते हैं यहाँ पे। टेक दिस रूम सर। थैंक यू। लिटरली गाइस बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ है भाई हमें अपने गेमिंग रूम से। और अगर मैं तुम्हें रूम 2 एंड 1 का बताऊँ ना इनका कितना बोनस मिलता है भाई, इनका मिलता है सिर्फ $1 तो लिटरली ये फर्क है भाई अपने गेमिंग रूम एंड इन सिंपल रूम में। तो चलो यार गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ अपने मॉडल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे एंड यहाँ पे 2-3 रूम ना और बनाएंगे एंड एक रूम ऊपर की साइड पे भी बनाएंगे और साथ में जो अपनी शॉप है भाई उसमें भी सारा सामान भर देंगे। एंड साथ में मुझे 2-3 एम्प्लॉय भी हायर करने हैं, एक तो गैस स्टेशन एंड शॉप के लिए। तो चलो गाइज, अगर आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड गेमिंग रूम के लिए तो जरूर लाइक करना भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया था ये। एंड अपने दोस्तों को शेयर करना और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बफी गैंग इज ऑन।